मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। मलमली एक मलमल का एक कपड़ा होता है, उस पर बादाम जैसा रंग खिल उठा था, उसका कलर था। किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। ये जो इसके किनारे थे उस पर कसूती के जो टाके होते हैं उससे पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे, वो जो पल्लू था उस पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरी रुपेले बेल बूटों में जान आ गई थी मलमल में, इन मलमल में ये जो सुनहरे रुपेले बेल बूटे थे उन जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटे को सजाया था इला सचानी ने, इन बेल बूटों को सजाया था एक नाम की लड़की ने, इला सचानी। इला की हिम्मत की अनूठी मिशा है ये कढ़ाई के नमूने, इला की हिम्मत थी ये कढ़ाई के नमूने। ये यहाँ पे इला सचानी है। छब्बीस साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। इला 26 साल के वो गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमेरी जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता था। उनका ये जो बचपन था अमरेली जिले के जो राजकोट गांव था ना, अपने नाना के घर में बीता था। सहज होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, सहज शाम होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ केनर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे के घड़ों के ठिकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते, ये गेम वो खेलते थे। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ों की डालियों पर झूला ढालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में गाना गाते। जब ये जो खेल है इनसे मन भर जाता तो वो डालियों पर पेड़ की डालियों पर झूला टांगते और ऊंची ऊंची पेंगे लेते और स्वर में गाते। कच्चे नींब की निबोरी सावन जल्दी आइयो रे, कच्चे नींब की निबोरी सावन जल्दी आइयो रे, ये वो गाते थे। क्या गाते थे? कच्चे नींब की निबोरी सावन जल्दी आइयो रे, कच्चे नींब की निबोरी सावन जल्दी आइयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती, ये जो इला है उनका साथ गाना तो गाती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती, पर उनके साथ झूला नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे, रस्सी पकड़ने के लिए वो हाथ तो बढ़ाती पर हाथ उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, वो बिना कुछ बोले एक ही किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मतलब मन में कुछ सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती, इला भी कुछ ऐसा क्यों नहीं कर पाती। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके, और बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विश्व अमृत के खेल में शामिल हो जाती, कभी कभार इला पकड़म पकड़ाई या फिर विश्व अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती मगर जब धप्पा करने की बारी आती फिर निराश हो जाती, वो जो उसके दोस्त थे उनके साथ तो बहुत मज़े से दौड़ती पर धप्पा करने की बारी आती फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी, अगर उसके हाथ नहीं उठेंगे तो वो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथ ने तो जैसे उसका साथ देने की ठान रखी थी, पर कोशिश तो बहुत करती पर उसके हाथों ने उसका साथ नहीं देना ये ठान रखी थी। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना, इला ने अपने इन हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से
करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। उसने ना इला ने ये सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दाल भात दाल चावल, दाल चावल, दाल चावल, दाल चा भात खाना, दूसरों के बाल बनाना मतलब किसी और की कंघी करना, फर्श बुआना, फर्श पर झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, सब्जी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी, तख्ती स्लेट पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया, उसने एक स्कूल में प्रवेश ले लिया, एडमिशन ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई, जब उसको दाखिला मिल गया उसे परेशानी हुई, उसे फिर भी परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसकी सुरक्षा कौन करेगा उसको लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर थी। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, किसी काम को इतनी जल्दी कर देती, इतनी स्पीड में कर देती जो देखते हैं वो दंग रह जाते। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी, वो जो कोई कोई काम था उसमें थोड़ी थोड़ी परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी, मतलब वो हार मानने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, मतलब उसने 10th ग्रेड तक की पढ़ाई स्टडी। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई, वो जो उसके एग्ज़ाम थे वो पास नहीं कर पाई, उसका रिजल्ट था जो वो अच्छा नहीं आया। इला को यह मालूम नहीं था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। इला को यह नहीं पता था कि उसको ना परीक्षा के लिए, एग्ज़ाम के लिए थोड़ा ज़्यादा समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। इला को कुछ कोई ऐसे व्यक्ति की सुविधा मिल सकती थी जो उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। यह जानकारी जब समय था जब मिल जाती तो कितना अच्छा रहता इला के लिए। उसे इस बात का बहुत दुख हुआ, उसको इस बात का दुख हुआ। पर यहाँ आकर सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाता नहीं, पर यहाँ आकर सब कुछ ख़त्म तो हुआ ही नहीं था। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी, उसकी दादी और माँ कशीदाकारी करती थी, कढ़ाई करती थी। वह उनके सुई सिल में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। जब उसकी दादी और माँ सुई में रेशम पिरोने तक बूटियाँ उकेरते हुए देखती, न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। इला ने भी कब कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। ये करने पर भी उसने अपने पैरों के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। दोनों अंगूठों के बीच कच्चा रेशम सुई में कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, कुछ कहते हैं, जहाँ चाहा वहाँ रहा, जहाँ चाहा वहाँ रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया था। उसका जो विश्वास और धैर्य था उसने कुदरत को भी झुठला दिया था। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदारी में माहिर हो चुकी थी। काठियावाड़ी भी एक कशीदारी है, उसमें माहिर हो चुकी थी। 15-16 साल की थी जब वो, 15-16 ओल्ड की थी जब वो इला, बहुत माहिर हो चुकी थी काठियावाड़ी कशीदारी में। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, किस ड्रेस पे कैसे नमूने बनाए जाएंगे, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाके कौन से लगें,
गए। किस रंग से, किस कलर से नमूना खिल उठेगा और टाके कौन से लगेंगे, यह सब वह समझ गई थी, ये सब बातें वो समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधनों की प्रदर्शनी लगी। एक दिन ऐसा आया जो उसने परिधनों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधनों की काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, ये पत्तियाँ थी उसको चिकनकारी से सजाया था। डंडिया को काथा से उबारा था। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियाँ को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। ये जो पशु पक्षियों की ज्यामिति होती है उसकी आकृति को कसूती और जंजीर के टाकों से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। पारंपरिक इतने डिजाइनों में ना यह नवीनता थी, ये सबको बहा गई। इला के पाँव अब रुकते ही नहीं थे, ये जो इला के पैर थे वो अब रुकते ही नहीं थे। आंखों में चमक होती थी, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपहली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं थी। उसकी आंखों में चमक होती थी, शाइनिंग होती थी, होठों पर स्माइल होती थी। अनूठा विश्वास लिए वो सुनहरी रूपहली बूटियाँ उकेरते हुए थकती नहीं थी। If you like this video, please like it, share it, and don't forget to subscribe it. Bye, friends.